हाय गाइस, वेलकम टू अ वेरी वेरी स्पेशल वीडियो। भाई मुझे पता है तुम में से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो चाहिए थी। मैंने कुछ दिनों पहले एक जर्सी रिव्यू वीडियो बनाई थी और वो फट गई एंड लोगों को बहुत पसंद आई एंड उसमें बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अपनी पूरी जर्सी कलेक्शन दिखा दे, छोड़ छुपा कह रहा है। तो भाई आज मैं तुम्हें वो दिखाने वाला हूँ। वाई नॉट, जब मैंने यूट्यूब शुरू करा था तब मेरे पास गिनती की 4-5 जर्सी थी, बट अब काफ़ी ज़्यादा है, लाइक काफ़ी लोग ज़्यादा है। और ये यहाँ पे ज़्यादा ना लग रही हो, बहुत बड़ा चांस है कि तुम्हें ज़्यादा ना लग रही हो, लेकिन अब ये सारी की सारी निकाल कर मैंने एक अपने ग्रीन स्क्रीन के स्टैंड के ऊपर टांगने की कोशिश करी एंड आधी जर्सी निकाली थी मैंने एंड वो स्टैंड ढह गया। तो भाई बिल्कुल आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ अपनी जर्सी कलेक्शन एंड मैं तुम्हें ये भी बता दूंगा बाद में कि तुम लोग कहाँ से जर्सी ले सकते हो। इवन अगर तुम्हें ऑफलाइन जाके दिल्ली में कहीं देखना है तो मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी मार्केट के अंदर तुम लोग ट्राई कर सकते हो। बट लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर टाइम, गेट स्टार्टेड। मुझे नहीं पता है कितनी जर्सीज है बट मैं तुम्हें बता दूंगा धीरे धीरे करके। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसका, दैट्स नॉट अ जर्सी, दैट्स ए टी शर्ट। ये एक बर्थडे गिफ्ट था मेसी वाली करके, तुम देख सकते हो। यस, तो ये तो एक टी शर्ट है, नॉट रियली अ जर्सी बट ठीक है, स्टिल काउंटेड एज वन ऑफ दोस। लेकिन इसके बाद मेरी स्कूल की काफ़ी सारी जर्सीज है, मेरी और मेरे भाई की स्कूल की काफ़ी सारी जर्सीज एंड लाइक ये उनमें से एक है। ये हम सब में, हाँ ये हम सबके पास होती थी ना बचपन में, ये ऐसे एक स्पोर्ट्स सन करके ऐसे करके बचपन में हम सबके पास होती थी। मेरे पास बचपन में येलो कलर की भी थी ऐसी जिसके ऊपर मैं मार्कर से 11 नंबर बनाता था। भाई मुझे अच्छे से याद है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर मुझे कोई फोटोज वगैरह मिल पाए, लेकिन यस क्योंकि मैंने अपनी सारी लाइफ 11 नंबर पहना है। तो दिस इज वन ऑफ माई स्कूल जर्सीज। इसके बाद मेरे भाई की स्कूल की जर्सी है एंड वो नंबर 3 पहनता था, हाँ क्योंकि वो एक डिफेंडर है एंड वो जेरार्ड पीके का बहुत बड़ा फैन था, उसको पीके बहुत अच्छा लगता था इसलिए वो नंबर 3 पहनता था। तो हाँ मेरा भाई डिफेंडर, कम ऑन शकीरा शकीरा। एंड देन इसके बाद मेरे स्कूल की और मेरे कॉलेज की एक और जर्सी, ये देख सकते हो। तो मेरे स्कूल की सेंट मार्क्स स्कूल एंड देन ये मेरे कॉलेज की, दोनों 11 नंबर क्योंकि मैंने जैसे तुम्हें बोला। तो मैं देख सकते हो मैनचेस्टर यूनाइटेड, मेरे स्कूल में मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सियाँ पहनी जाती थी। भाई अब क्या बोल लूँ अब बट अपने बचपन और स्कूल टाइम से रिलेटेड जो लास्ट जर्सी मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ दैट इज दिस। अब इसको देख के मुझे पता है तुम्हें तारक मेहता का चश्मा की याद आ रही होगी, है ना भाई, नट्टू काका और बाघा की। भाई नहीं, लेकिन ये एक्चुअली में मुझे मेरे कोच ने दी थी जब मैं एक मैच में बहुत अच्छा खेला था। ये उनकी जर्सी है, ये उनकी, तो उन्होंने मुझे ला के दी थी कि तू बहुत अच्छा खेला है तो इसलिए। तो ये बिल्कुल भाई तुम देख सकते हो काफ़ी बहुत बारी पहनी गई ये जर्सी, तो दिस इज अ स्पेशल किट फॉर मी। लेकिन इसके बाद शुरू होती है मेरी एक्चुअल जर्सी कलेक्शन जो कि अब 2 साल पहले शुरू हुई है। तो वी विल गो वन बाय वन टू स्टार्ट विद सबसे पहले। ओके ये तो आज ही भाई, ये लेजिट आज है, ये तुम्हें पता है। दिस इज जापान की विजिटा एडिशन किट एंड दिस इज अ प्रॉपर ब्यूटी। पता है मेरे को जापान की ना मांगा एडिशन किट चाहिए थी और मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ। मैंने वो अभी भी बोल रखी अपने जर्सी डीलर को कि जिस दिन आ जाए तेरे पास मेरे साइज में मुझे भिजवा दियो। तो बट टू मेक श्योर, ये भी बहुत प्यारी जर्सी है भाई। आई लव जापान की किट्स, बहुत प्यारी होती है। इसके बाद आई हैव गॉट जर्मनी की किट एंड दिस इज प्रॉब्ली जर्मनी की बेस्ट किट रिसेंट ईयर्स में। मेरे को जहाँ तक भी याद है ना, मुझे जर्सी, मुझे बेस्ट जर्सी लगती है ये। द ओनली बैड थिंग अबाउट दिस जर्सी इज कि मुझे बहुत खुली है, कुछ ज़्यादा ही खुली है तो मैं ये बाहर नहीं पहन पाता। बट दिस इज प्रॉबली द बेस्ट इंटरनेशनल किट आई हैव, रेट्रो हटा के, रेट्रो हटा के। नेक्स्ट जर्सी जो है दैट इज द स्पेनिश किट। ओ माई गॉड, ऑब्वियसली एंड गेस इट, इसके पीछे किसका नाम है? मैंने तो वैसे बताया नहीं जर्मनी के पीछे किसका नाम है। जर्मनी के पीछे नाम तो वैसे मुलर का। भाई ऑब्वियसली आई एम वेरी प्राउड कि मैंने मुलर चूज करा, भाई वन ऑफ द बेस्ट जर्मन प्लेयर्स जो मैंने देखे फुटबॉल के अंदर। बट इसके पीछे नाम है गावी का, भाई बिल्कुल, क्योंकि आई वांटेड गावी की जर्सी। गावी की 9 नंबर की किट है ये एंड वन ऑफ माई फेवरेट अगर मैं इंटरनेशनल की बात करूँ, क्योंकि अगेन स्पेन इज वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी। हर बार्सिलोना और रियल मैड्रिड फैन के लिए स्पेन इज ऑब्वियसली स्पेशल, तो दिस इज गावी। इसके बाद हमारे पास है स्ट्रेट फ्रॉम निंजा फ्रूट, भाई वी हैव गॉट तरबूज रोनाल्डो की पोर्चुगल जर्सी है। आई हैव नो आइडिया क्यों बनाई उन्होंने ये जर्सी। दिस इज द वर्स्ट इंटरनेशनल किट, वर्स्ट पोर्चुगल किट, मेरे को नहीं पता, वर्स्ट वर्ल्ड कप किट, ये वन ऑफ द वर्स्ट किट्स आई हैव सीन इंटरनेशनल पर। ये तो शुक्र है बस रोनाल्डो ने पहना इसलिए लिया, वरना मैं कभी नहीं लाता ये किट, भाई कसम से। इसके बाद आई हैव इंग्लैंड की किट अब देखो ऑल जोक्स अपार्ट, दिस इज अ गुड किट, ठीक है, दिस इज, मतलब पहनने में ठीक लगती है ये, बट मैं पहनता नहीं हूँ क्योंकि क्यों पहनूंगा। इसके बाद मेरे पास है ये फ्रांस की किट। आई होप ये एम्बापे है, ये एम्बापे है ऑब्वियसली। भाई ये किट ना रोंगटे खड़े कर देती है मेरी। भाई मैं जितनी बार ये किट देखता हूँ ना और ये देखता हूँ, भाई ओ माय गॉड, मेरे को तो डेजा भी हो जाता है, भाई मेरी फट जाती है उसी वक्त। तो ये किट तो, पर ये किट बहुत प्यारी है यार, ये किट बहुत एलिगेंट है और इसकी फिटिंग प्रॉब्ली मेरी इंटरनेशनल किट्स में से बेस्ट फिटिंग है। इसके बाद आई हैव 2 जर्सीज ऑफ ब्राजील, उनकी होम और अवे। अवे वाले के पीछे कोई नाम नहीं है बट होम वाले के पीछे इट्स नेमार जूनियर, क्योंकि ऑब्वियसली द गाय यार, द गाय, आह माय बॉय। आई होप किसी दिन ये भी कोई बड़ी ट्रॉफी उठा पाए, बट ठीक है इधर वे इनकी है, मतलब ये मुझे ज़्यादा कुछ ठीक है, मतलब इतने भी कुछ खास नहीं है, लेकिन दिस इज़ गुड, दिस इज़ गुड। अगर तुम में से किसी को लेनी हो ना तो यू कैन ट्राई दिस, क्योंकि इसके ऊपर अगर तुम देखोगे, इसके ऊपर ये तुम्हें दिख रहा है क्या, ये इफेक्ट दिख रहा है तुम्हें, दिस इज़ अ गुड किट। अगर मेरी इंटरनेशनल किट की बात करूँ ना फिटिंग के मामले में, तो फ्रांस के बाद बेस्ट फिटिंग इसकी है। एंड देन हमारे पास आ जाती है हमारी इंटरनेशनल किट्स में द कंट्री इंडिया नहीं, ऑब्वियसली इंडिया की मैंने भाई स्पेशल जगह पे रखी हुई है, वो तुम्हें दिखा दूंगा मैं, बट इट इज अर्जेंटीना की किट्स। एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले ये मेरी लाइफ की पहली किट है जो मैंने खरीदी थी। दिस इज फ्रॉम 2014 में खरीदी थी ये भाई, ये पता नहीं कौन सी, मैं रजौरी की किसी दुकान से लेकर आया था, ठीक है। सो दिस इज दैट किट, 2 स्टार है ये, बट भाई मेरे पास अर्जेंटीना की ऑलमोस्ट हर किट है पिछले इतने टाइम की। इसके बाद हमारे पास अर्जेंटीना के वर्ल्ड कप के ड्यूरेशन की ये किट्स हैं, ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक एक करके। ये है 3 स्टार, ये 3 स्टार है, ठीक है ओके, इसके पीछे कोई नाम नहीं है बट ये 3 स्टार है। देन दिस इज 2 स्टार, लेकिन इसके पीछे ऑब्वियसली लियोनल मेसी है। एंड दिस इज स्पेशल एडिशन जो मेरे को एक दोस्त ने भेजी थी, आई विल लेट यू गाइज नो इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर, तो बिल्कुल भाई दिस इज अ वेरी गुड किट एज वेल। पर इसके बाद ये आ जाती है भाई द बेस्ट किट आई हैव इंटरनेशनल किट्स में से, ओ माय गॉड, अर्जेंटीना की रेट्रो किट है ये। एंड भाई मैं व्हाट कैन आई से, मतलब मेरे को नहीं पता कि इससे परफेक्ट किट हो सकती है नहीं हो सकती। लाइक कॉलर्स, मेरी कमजोरी है कॉलर्स, ये डार्क ब्लू कलर, ब्लैक पैटर्न, इट इज द परफेक्ट किट, इट इज द परफेक्ट किट। मेरे पास अर्जेंटीना की जो इस बारी की अवे किट है ना, मेरे पास वो आई थी बट देन उसकी क्वालिटी इतनी बेकार थी कि वो थोड़े टाइम के अंदर ही फट गई, ठीक है। तो वो बहुत पहले मैंने ली थी, पता नहीं किसी वेंडर से ली थी, बहुत बेकार किट थी वो तो भाई फट गई वो किट लेजिट, लेकिन एटलीस्ट आई हैव दिस, तो मुझे उस किट के फटने का बुरा नहीं लगता। तो भाई इसके बाद अब हम चलते हैं क्लब किट्स की तरफ। बिल्कुल भाई क्लब किट्स के बारे आ जाती है अब। एंड क्लब किट्स के अंदर सबसे पहले 2 बेगैरे क्लब जो देखने पड़ रहे हैं, पर मतलब अब पड़ेगा। एक ये रही, ठीक है भाई, PSG मेसी, PSG की अवे किट भी थी मेरे पास वाइट वाली, लेकिन अब वो खो गई है, मुझे मिल नहीं रही है, मैंने भैया को दी थी अपने, उन्होंने वापस भी करी थी लेकिन वो वापस करने के बाद कहा गई नहीं पता। एंड देन ये आ जाइए वंस अगेन मेसी, ओपेनहाइमर एक्स बारबी कोलैबोरेशन, बारबी हाइमर है ये भाई। यार आई हैव नो आइडिया भाई ये मेसी क्या क्या करवा रहा है यार, ये पहन के सुबह 5 बजे मैं नहीं देखने वाला फुटबॉल भाई, मैं तुम्हें कसम से झूठ नहीं बोल रहा मैं। इसके बाद ये दोनों जर्सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग आईएक्स की है, यस दीस 2 किट्स आर ऑफ आईएक्स, बेस्ट किट आईएक्स की पिछले 2 सालों में, ठीक है। कम ऑन मैन, जस्ट लुक एट दैट आईएक्स जो किट, यार लुक एट इसके कॉलर का डिजाइन देख रहे हो तुम, ये जर्सी वैसी होती है जो तुम डेट पे पहन के जा सकते हो। एंड दिस ये तो भाई आई हैव, मतलब मैं क्या बताऊँ, ये पहन के अगर मैं इतना अमीर होना कि मैं ये पहन के खेलने जा सकूँ, माँ कसम ये इतनी प्यारी किट है, इसके ऊपर का डिज़ाइन इतना प्यारा है भाई, अगर तुम देख पा रहे हो दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट किट्स क्लब के अंदर अगर मैं बात करूँ आउटसाइड बार्सिलोना ऑब्वियसली। इसके बाद आई हैव द जर्सीज फ्रॉम इटली, भाई इटली से ऑब्वियसली मेरे को लेनी है और भी काफ़ी सारी जर्सीज, अभी मुझे रोमा से लेनी है एंड मुझे लाजियो की जर्सी लेनी है इस बारी की, वो मैं जर्सी नहीं छोड़ने वाला भाई, बट ठीक है अभी के लिए मेरे पास ये इंटर मिलान है, ठीक है। इंटर मिलान इज ओके, AC मिलान इज फायर, AC मिलान इज फायर, कम ऑन, AC मिलान की किट इज, AC मिलान की किट इज गुड, ये बहुत बढ़िया किट है। अगर तुम में से किसी को भी इटली से किट लेनी है ना भाई, सीरिया की बेस्ट किट प्रोबेबली AC मिलान में आता है, लाजियो इज नॉट बिहाइंड मस्त से। एंड देन देयर इज दिस जर्सी के अंदर कार्टून नेटवर्क, यूवेंटस मतलब ये जर्सी थोड़ी ना ओवर लगती है भाई, मानो ना मानो ये जर्सी थोड़ी ओवर लगती है, तो हाँ मैं यही कहना चाहूँगा इसके बारे में। नेक्स्ट जो क्लब है वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद बट इट इज़ व्हाट इट इज़, जर्सी अच्छी है लेकिन इसकी बिल्कुल, बायर्न म्यूनिक, बायर्न म्यूनिक की अवे किट इज़ आल्सो गुड मस्त से, लेकिन मैं पता है क्या, कम ऑन मैन कम ऑन, डॉटमंड बेबी, मुझे डॉटमंड की होम किट मंगानी है, मैंने अभी तक नहीं मंगाई, मुझे इस साल की होम किट बिल्कुल पसंद नहीं आई डॉटमंड की, मैं पिछले साल की मंगाऊंगा या उससे पिछले साल की प्रॉब्ली ट्राई करूंगा, बट या डॉटमंड की होम किट इज समथिंग जो मेरी कलेक्शन लैक कर रही है अभी, बट दिस ब्यूटी ओ माय गॉड ओ माय गॉड। अब हम बढ़ते हैं प्रीमियर लीग की तरफ, एंड प्रीमियर लीग के अंदर सबसे पहला क्लब इज द क्लब ऑफ मनी, यस इट इज चेल्सी, बहुत अच्छी किट है ये, पता जब ये पहली बार आई थी ना तब मुझे ऐसा लग रहा था कि इससे फुद्दू किट मैंने आज तक नहीं देखी, लेकिन इट्स अ वेरी एलिगेंट किट, मतलब अगर जो चेल्सी फैन है ना उसके पास ये मस्ट होनी चाहिए, अगर तुम एक चेल्सी फैन हो तुम्हारे पास ये होनी ही चाहिए, वन ऑफ योर बेस्ट किट्स इन रिसेंट ईयर्स, ये तो गारंटी की बात है। बट इसके बाद एक ऐसी टीम जिसने अपनी किट गेम इस साल बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है, इट्स लिवरपूल। ओ माय गॉड, पहले लिवरपूल की अवे जो मैंने ली थी कि बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन मतलब ये बस रहने दो, ये एक है बस, कुछ ट्राई करा उन्होंने तो आई विल लाइक टू गिव देम पॉइंट फॉर दैट, बट नहीं भाई, आई डोंट नो कि लिवरपूल की किट इससे बढ़िया हो सकती नहीं हो सकती भाई, कम ऑन। ये बहुत प्यारी किट है भाई, मैं तुम्हें कसम से बता रहा हूँ, ये बहुत प्यारी किट है। तो मैं मेरे इमोशन तुम नहीं समझ पा रहे होगे। मैंने तो बताया ना डेट एडिशन कोई किट्स होती है जो तुम डेट्स पे पहन के जा सकते हो, दिस इज वन ऑफ दोज कि अगर तुम ये डेट पे पहन के जा रहे हो ना तो तुम्हें चेक स्प्लिट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रात को लेग स्प्लिट होंगी। इसके बाद है हमारे पास इट्स मैन सिटी की तीनों जर्सीज है मेरे पास, तीन मतलब दिखा देता हूँ। ये इस साल की होम है विच इज पिछले साल की होम विच इज गुड, पिछले साल की होम वॉज गुड एंड देन पिछले साल की अवे। अब ये है हालैंड, ये केविन डे ब्रुइन, यस, एंड इसके पीछे कोई नाम नहीं है तो ये तो है। तो मेरे पास चलो दो जो मुझे नाम चाहिए था जर्सीज के ऊपर मुझे मिल चुके हैं। यूलियन अल्वारेस लेनी है मेरे को एंड मुझे गिफ्ट भी करनी है किसी को यूलियन अल्वारेस। आई नो प्रणय भाई यू आर वॉचिंग दिस, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप बच्चे कुछ बाकी ही प्रीमियर लीग की सारी निकाल ली है, तो प्रीमियर लीग के अंदर ये सबसे पहली है आर्सेनल की, ये मेरे भाई की फेवरेट किट है, सबसे ज़्यादा पहन के गया है वो ये कॉलेज एंड सबसे ज़्यादा जर्सीज भाई पहनता है वो इनमें से, लेकिन मेरी जो फेवरेट किट है आर्सेनल की दैट इज दिस वन, दिस इज अ गुड किट। ओ माई गॉड, अगर मैं जिम पहन के जा रहा हूँ तो मैं ये किट पहन के जाऊँगा, दिस इज अ जिम पहनने वाली किट, समझ रहे हो। वन ऑफ द डेट किट्स ऑल्सो, आई डोंट नो डेट पे पता नहीं, लेकिन ठीक है ये, दिस इज ऑल्सो अ गुड किट, मना नहीं करूँगा मैं, लेकिन मैं प्रॉब्लली पहनना प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि इसका गला बहुत चौड़ा है और मेरे छाती के बाल दिखते हैं, ठीक है। देन वी हैव गॉट मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई, बिल्कुल रोनाल्डो लिया हमने वंस अगेन क्योंकि वाई नॉट। मेरे को ये किट काफ़ी अच्छी लगती है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड की, उनकी इस साल की किट भी बहुत अच्छी है, मेरे पास इस साल की किट भी आ चुकी है एंड उनकी इस साल की किट भी बहुत अच्छी है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपनी किट गेम तो लो नहीं करी है बाकी और क्या ही बोलूँगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू ला लीगा। ये थोड़े नहीं है भाई, देखो दिस इज एटलेटिको मैड्रिड, ये काफ़ी यूनिक किट है, उन लोगों ने लोगो चेंज करा है इस किट के अंदर, तो मेरे जर्सी डीलर ने मुझे भेजी, कहती भाई देख, तो इट्स नॉट अ बैड किट। मुझे पहले लग रहा था पता नहीं क्या मजाक करें इन लोगों ने अपने साथ, लेकिन इट्स नॉट अ बैड किट, तो ठीक है प्रॉब्लली एक एटलेटिको किट जो मैं अपने पास रख लूँगा। देन वो दो किट जो मेरे घर में कभी नहीं पहनी जाती, कभी नहीं, इट इज जस्ट फॉर प्योर कंटेंट की ये जर्सी मेरे घर के अंदर है, बट इट इज रियल मैड्रिड, ये पिछले साल की रियल मैड्रिड होम एंड देन ये इस साल की रियल मैड्रिड होम में फुल स्लीव में है बट ये प्योरली जर्सी सिर्फ और सिर्फ कंटेंट बेसिस के लिए यार करना पड़ता है, कंटेंट के लिए ना तुम्हें करना पड़ता है यार। तो यस इट्स मतलब नाम है किसी का इनके पीछे, यस है कैरिम बेंजेमा का भाई। आई एम हैप्पी कि मैंने कैरिम बेंजेमा की जर्सी लिया, प्रोवाइडेड कि वो चला गया उसके बाद रियल मैड्रिड छोड़ के, बट आई नीड टू गेट मॉड्रिच और क्रूज के नाम की जर्सी भी, दैट्स टू जर्सी जो प्रॉब्लम मुझे शायद से होनी चाहिए हर फुटबॉल फैन के पास। एंड देन कम्स द हार्ट। अब मेरे जो ये इस तरफ की सारी जर्सीज है ना, ये सारी मेरे दिल की जर्सीज है, ठीक है, एक एक करके मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले ये, दिस इज द मोस्ट स्पेशल क्लब जर्सी आई हैव विद मी, ये मुझे मेरा दोस्त लेकर आया था स्ट्रेट फ्रॉम बार्सिलोना, ठीक है, वो कैंप नू के स्टोर से लेकर आया था ये, एंड He gave it to me, Messi भाई। तो this is the closest I can get to Camp Nou अभी तक, तो hopefully future में जा पाऊँ, but yes straight thank you so much हिमांशु मैन, हर बारी भाई। उससे स्कार्फ भी दिया था, वो भी मेरे पास अंदर पड़ा है, जो भी मेरे चैनल फॉलो करता है उनको पता है उस स्कार्फ के बारे में, बट दिस इज स्ट्रेट फ्रॉम Camp Nou, तो मतलब तुम समझ रहे हो ना, दिस इज द मोस्ट स्पेशल बार्सिलोना जर्सी आई हैव। नेक्स्ट वन इज पिछले साल की अवे किट, इट्स अ गुड किट। पेड्री है हमारे पास, गावी की मैंने ले ली थी स्पेन वाली, तो मैं फिर पेड्री की अवे वाली ली है एंड इट्स अ गुड किट भाई, ठीक है। इसके ऊपर जो ये 3D एम्ब्रॉयडरी है दैट लुक्स नाइस, अगर तुम लोगों को दिख रही हो पास से, बट इधर वे इट्स अ वेरी गुड किट। अगर तुम्हें अवे किट वगैरह लेनी हो तो बार्सिलोना यूजुअली काफ़ी मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कम ही करता है वो। अ रेट्रो किट ऑफ बार्सिलोना, मैंने बार्सिलोना की काफ़ी सारी किट्स ऑर्डर कर रखी है, पता है, मैंने बार्सिलोना की 2010-11 की होम कर रखी है, 14-15 की होम कर रखी है, 14-15 की होम, तो आई कांट वेट टू गेट माय हैंड्स ऑन दैट। अब उन जर्सीज के अंदर मेरा साइज ही नहीं आता भाई, तो उन्होंने डीलर को बोला था भाई जिस दिन आएगी ना भाई तुम बस भेज दियो पैक करके, तो वो दो जर्सीज जो मैंने मंगा रखी है, बट एटलीस्ट आई गॉट द अवे वन। भाई साहब यार ये भी क्या दिन हुआ करते थे, यूनिसेफ, कम ऑन मैन, प्रॉपर ब्यूटी, क्या सुंदर किट है यार ये, कम ऑन। इसके बाद मेरे पास जो जर्सी है वो पिछले साल की है, पिछले साल की ये थर्ड किट है ना, ठीक है, बस मैं क्या बोलूँ, इसके पीछे कोई नाम नहीं है। आई डोंट हैव मच कॉमेंट्स टू बी मेड ऑन दिस किट फॉर पर्सनल रीजंस, बट देन देयर इज दिस होम किट। मेरे पास तीन होम किट है, बाकी दो गंदी है क्योंकि वीडियो बनाई थी उसके अंदर, बट ए दिस इज रोनाल्डो राउहो वाली, क्योंकि वाई नॉट, है ना भाई, रोनाल्डो राउहो माय बॉय, रोनाल्डो राउहो, गावी, पेड्री, ये तीन जिगर के छल्ले हैं मेरे भाई इस बार स्क्वाड में। एंड देन बाल्डे भी आ रहा है, मैं भूलते रहा, बस ठीक है भाई जो आ रहा है यही है। तो यस ऑब्वियसली दिस इज, आई लव दिस किट यार, इतने टाइम बाद इतनी अच्छी होम किट बनाई है बार्सिलोना, मैं बहुत खुश हूँ। एंड देन इट इज इस साल की जर्सी यार, भाई 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 दिस इज द होम किट विच इज ऑल राइट। ठीक है फोटो में थोड़ी अजीब लग रही थी बट दिस इज ऑल राइट। बट देन दिस इज ए किट एंड आई हैव नो कमेंट्स, दिस इज द बेस्ट बारसा किट आई हैव। भाई ये इतनी प्यारी किट है, आई हैव लाइक भाई तुम देख पा रहे हो, तुम नहीं देख पा रहे भाई, तुम नहीं देख पा रहे, ये बहुत प्यारी किट है। मैं जितनी बारी देखता हूँ ना ये मेरा पहनने का मन करता है इसको भाई। अगर ये वाइट भाई क्या प्यारी लग रही है ये किट, ये बहुत अच्छी किट है भाई। आई एम वेरी हैप्पी बार्सिलोना ने ये किट बनाई है भाई, थैंक यू सो मच भाई जो भी किट डिजाइनर है, कीपिंग इट सिंपल वाइट और ये कॉलर के ऊपर सिंपल ब्लू एंड रेड, दिस इज गुड, इट्स गुड। एंड देन एट द एंड हमारे पास दो सबसे स्पेशल किट्स, क्वालिटी वाइज द बेस्ट किट्स आई हैव, हमारी इंडिया टीम की किट्स भाई बिल्कुल, एंड इनकी फिटिंग इज द बेस्ट ऑफ ऑल द किट्स आई हैव। दिस इज़ हमारी होम किट, दिस इज़ हमारी अवे किट, ये तो बल्कि अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, ये काफ़ी पहले से आ रखी थी मेरे पास। बट भाई क्या क्वालिटी है इन किट्स की। अगर तुमने ये तो भाई ओरिजिनल मंगाओ तुम 656 क्या 656 है, ये है ना उनकी वेबसाइट जो भी, गो डाउन देयर गेट योर ओरिजिनल किट्स। मिलती ही नहीं है भाई, मिलती ही नहीं है। मैंने वहाँ पे इतनी सारी उनकी जो क्लब किट्स थी जो उनकी स्टोर के ऊपर थी वो मंगाने की कोशिश करी है, एक भी नहीं मंगा पा रहा मैं क्योंकि साइज ही नहीं है मेरा। तो भाई यस दैट्स इट फॉर अभी के लिए। तो मैंने और भी काफ़ी सारी किट्स मंगा रखी हैं मेरे पास है, इसके अलावा मतलब जो यहाँ पर है, इसके अलावा मेरे पास 2 बार्सिलोना की होम और हैं, एंड मेरे पास PSG की एक अवे और है मेसी के नाम वाली, एंड मेरे पास एक और किट थी अर्जेंटीना की अवे वाली जो फट गई थी। ठीक है तो ये किट से मैंने और काफ़ी सारी किट मंगा रखी है। लेकिन यस दिस इज माई किट कलेक्शन फॉर द ईयर 2023। तो भाई एट द एंड तो मैं ये कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच टू यू गाइस। अगर तुम ना, अबे 2 मिनट चुप हो जा, बात कर रहा हूँ मैं, अगर तुम लोग ना होते तो ये जर्सीज ना होती भाई। जब मैंने YouTube शुरू करा था ना भाई मेरे पास 5 जर्सियाँ थी मुश्किल से, उसमें से भी 4 स्कूल वाली थी। तो भाई अगर तुम लोग ना होते तो ये सब कुछ ना हो पाता भाई। तो थैंक यू सो मच गाइस, कलेक्शन बढ़ती जा रही है मेरी, होपफुली आगे भी बढ़ती जाए। आई विल ट्राई माई बेस्ट इसके अंदर अब और ज़्यादा इंक्लूड कर पाऊँ मैं। बट थैंक्स टू यू गाइस, तुम्हारे बिना ये सब कुछ पॉसिबल ना हो पाता। आई मीन इट व्हेन आई से दिस कि ऑल दिस इज योर्स भाई, फॉर रियल फॉर रियल। तुम लोग ना देखो मेरी वीडियो तो मैं कभी ना ले पाऊँगी, ले क्या आज ज़्यादा तो फ्री में मिली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट करना, बताना मुझे तुम्हारी फेवरेट जर्सी कौन सी थी इनमें से। बट सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चक द फटे, बाय बाय।